वालेकुम। आज इसके अंदर हम आगे देखते हैं कि मेन गेट किस तरह से बनाएंगे और ये जो गेस्ट रूम है इसके जो डोर्स हैं वो किस तरह बनेंगे, विंडोज किसमें किस तरह से ऐड होती है, बाथरूम के जो इसके जो डोर्स हैं वो किस तरह से क्रिएट होंगे। सबसे पहले मेन डोर के लिए जो हमने स्पेस निकाला था कल तकरीबन 9 फिट का स्पेस था। लीनियर कमांड से इसको दोबारा से मैनेज कर लें। देखिए यहाँ से जब आप लीनियर कमांड लेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट बता देगा कितना स्पेस यहाँ पे आपने इसके लिए निकाला हुआ है। तो टॉप हाइट पे जाके हम जैसे क्लिक कर रहे हैं यहाँ से 2 इंच के ऊपर मैं सेट करके अप्लाई कर रहा हूँ, क्लोज करने पे यहाँ हमें पता चल जाएगा कितना स्पेस है, तकरीबन 115 इंच, जो कि तकरीबन बनेगा 9 फिट। ठीक है, 1115 डिवाइडेड बाय 12, तकरीबन 9.5 फिट बन रहा है। तो इसका सेंटर पॉइंट तो हमने यहाँ लिया हुआ ही है, ये जो हमारे पास लाइन है। अब गेट को शो करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरह के 2 गेट्स बना लें 4.5 के, तो ये पूरे बन जाएंगे 9, और या फिर आप बीच में एक आर्क बना के उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। अब अगर मेन गेट को आप शो करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें सेंटर पॉइंट पे, एक इस तरह से सर्किल की आर्क भी बना सकते हैं, और अगर 3 पॉइंट्स पे अगर आप आर्क बनाना चाह रहे हैं तो बकायदा आर्क कमांड को लेके भी आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट पे लेके और इसको आर्क कमांड स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट और स्पेसिफाई एंड पॉइंट। तो ये हमने एंड पॉइंट बताना था, लेकिन इसको तो ये एंड हो गई कमांड। सर्किल कमांड लेते हैं इसके ऊपर, यहाँ से ये पूरा सर्किल कंप्लीट हो रहा है, तकरीबन 5 फिट और 4.5 फिट का एक सर्किल बन रहा है यहाँ पे। तो 9 फिट अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये 9 का डबल हो गया 18, तो यहाँ से हम इसको यहाँ क्लिक करके और बना देते हैं 4 फीट और 6 इंच। ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया ये। और उसके बाद आपने चूंकि इसको अंदर की तरफ शो करना है तो ऐसे भी किया जा सकता है कि आप इसके जो ये बाहर वाले एरियाज है इसको ट्रिम कर दें, और ये अंदर की जो ये है रोज इसको भी आप ट्रिम कर सकते हैं, वरना इसके ही ऑफसेट लेके और इसको एक डोर की शक्ल दी जा सकती है। और इसमें ये जो लाइन है लगी रहती है इसके बीच में, ये डिविजन लाइन रहेगी, और इस तरह से हम इसको शो कर देंगे। ये हमने यहाँ से निकाल लिया, तो इस तरह से भी हम इसको जो है एक तरह से डोर का जो सिंबल है वो हम शो कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको डिलीट कर दें यहाँ से, इसको भी डिलीट कर दें यहाँ से, इस मेजरमेंट को भी डिलीट कर दें, और डायमेंशन से जाके एक नई मेजरमेंट ले लें जो आपको परफेक्टली यहाँ पे वैल्यू को शो कर देगी। देखिए 108 इंच। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो है ये मेन गेट यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एनोटेशन लेनी है, तो फिर देख ले यहाँ से किसी की ले ले कॉपी, तो कॉपी कमांड को लॉन्च कर ले और यहाँ से इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर ले ऑब्जेक्ट को, बेस पॉइंट्स का स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कॉपी सेलेक्ट करना ऑब्जेक्ट, यहाँ लाते हैं इसके अंदर के और इसको रोटेट करने के लिए हमारे पास कमांड है रोटेट, ROTATE रोटेट सेलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, एंटर, और उसमें वॉन्ट पे पोलर स्नैप और यहाँ से मूव करेंगे, मूव कमांड लेके हम इसको क्लिक करेंगे एंटर, यहाँ पे अब इसको एडिट करने के लिए डबल क्लिक करें या ये सर मेन गेट एंटर, कितने वाई का बनाया हमने इसको, हाँ इसका जो 4 फिट का हमने डायमीटर रखा है ना, तो ये बन गया 9 फीट बाय, वो ये ऐसा हो गया ये हमने इसको इस तरह से मेन गेट बना दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन गेट का आपने सिंबल भी शो कर दिया, और इसको थोड़ा बहुत यहाँ से मूव करके यहाँ निकाल दें इस तरह से। ठीक है, तो यानी कि क्लियर हो जाएगा कि भाई मेन गेट यहाँ पे इस तरह से निकलेगा। अब
रहा सवाल कि जो स्टेयर्स है या बाथरूम के जो डोर्स है उनको निकालना भी तो इतना मसला नहीं। देखिए बाथरूम के बीच की दीवार आपके पास मौजूद है तो लाजमी बात है कि डोर आप इनके इधर ही निकालेंगे। तो बाथरूम का डोर हम नॉर्मली 3.5 फिट का ही बना लेते हैं, छोटा होता है, 3 फिट के भी होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप एक अपना ऑफसेट ले लें यहाँ से, क्योंकि ये बाथरूम की दीवार भी तो एक इसकी तो स्पेसिंग करनी पड़ेगी। तो ऑफसेट करके पहले बाथरूम की दीवार जो है कितनी चौड़ी होगी, साइड और उस साइड दोनों साइड बतानी पड़ेगी। तो 6 इंच की अगर ईंट लगेगी तो 3 इंच और 3 इंच इधर आएगा और 2 2 इंच का प्लस्टर होगा, तो 6 2 8 2 10 इंच, तो 5 5 इंच दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5 इंच का एक ऑफसेट लेंगे और यहाँ से एक ऑफसेट यहाँ पर और दूसरा ऑफसेट यहाँ पे, ये देखिए ये इसकी दीवार निकल आई। उसके बाद आपने इसके अंदर ट्रिम कमांड यूज करके उसके जो एक्स्ट्रा एरियाज हैं उनको आप यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं और इस सेंटर की दीवार को भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी 10 इंच की एक दीवार मौजूद है। अब ये जो हिस्से है इसके बाद जो इसके अंदर आपने निकालना है दोनों को सिलेक्ट करके, मैं जरा इसकी थोड़ी सी हाइट कम करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं 3 इंच पे रख के इसको अप्लाई कर देता हूँ छोटे वगैरह, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अभी दीवार वगैरह निकलेगी तो ये थोड़ा सा मूव करने का मसला हो जाएगा उसको, और उसको यहां से पकड़ के मैंने यार दिया और उसको पकड़ के यहां से लाया। ठीक है, अब ये जो मेन दीवार निकल आई है इसके बीच में अब डोर आपने इन दोनों साइड पे ही देने हैं। तो इसका डोर इधर देंगे, इसका डोर इधर देंगे, ऐसा करना जरा आसान होता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ 3 फिट का डोर काफी रहेगा। ऑफसेट कमांड लेते हैं हम यहाँ से और इसको 3 फिट और 6 इंच की एक एंट्री करने के बाद यहाँ से क्लिक करके यहाँ देते हैं। तो अब 3 फिट 6 इंच पे तो पूरा बाथरूम ही चला जाएगा। तो टोटल बाथरूम की हमारी डायमेंशन कितनी है देखते हैं जरा। डायमेंशन में जाके लीनियर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं पता चलेगा कि इसकी डायमेंशन कितनी है। 4 इंच के ऊपर मैं इसकी डायमेंशन को ले लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ उसको। 59 इंच हमारे पास इसकी विड्थ है, तो चेक करते हैं इसके अंदर 59 को डिवाइड करते हैं 12 है, 4 फिट है। अच्छा, तो यानी के डोर को छोटा लगाना पड़ेगा, तकरीबन 2 फिट का डोर हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 फिट का डोर भी बड़ा हो रहा था क्योंकि बाथरूम का पूरा हिस्सा ही वो कवर कर जाता है। तो 2 फिट का डोर अगर हम इसमें लगाना चाह रहे हैं तो ऑफसेट कमांड लेंगे और यहाँ से 2 फीट की एंट्री करेंगे तो इस बाथरूम के आधे हिस्से में ये डोर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बाथरूम के जो डोर की जो चौखट है वो फिर दोबारा से 2 इंच की लेंगे तो यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा। यही सेम प्रोसीजर आपको इस साइड पे करना होगा, पहले आप 2 इंच की चौखट ले लें और फिर आप ऑफसेट करके 3 फिट का एक जो है इस मेन डोर से, तो 2 फिट का, 2 फिट का एक यहां से ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए दोनों साइड की आपकी जो है डोर की वो निकल आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको बीच में से ट्रिम या एक्सटेंड कमांड यूज करेंगे। ट्रिम कमांड यूज करके पहले इन हिस्सा को आप रिमूव कर देंगे, यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि आपके जो डोर्स है वो यहाँ पर बनेंगे, ओके। इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो है अब ये जो आपने लिया है क्योंकि ये दीवार का मेन हिस्सा है यहाँ पर आके रुकेगा, तो मैं समझता हूँ पहले हम यहाँ पर एक डोर ले आते हैं जिसकी 3 फिट की 2 फिट की चौड़ाई होगी। तो 2 फिट का डोर बनाने का तरीका बहुत आसान है, मैंने लास्ट टाइम भी बनाया था हमने। एक तो इस कमांड के जरिए बन जाता है, लाइट कमांड के जरिए यहाँ बना के रख लेते हैं अपने डोर, ठीक है। तो यहां से हमने क्लिक किया लाइन कमांड के जरिए और यहां से स्ट्रेट लाने के लिए ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, तो 2 फिट और फिर 2 फिट, फिर 2 इंच, फिर 2 इंच, 2 इंच से भी कम, 1 2 इंच ही होगा, नहीं 2 फिट है तो 1 फिट और 10 इंच। दोबारा से लाइन कमांड को एग्जीक्यूट करें, ये देखिए दोबारा यू है 2 इंच और फिर यू आए 1 फिट 10 इंच और फिर ऊपर गए, तो हो गया। थोड़ा सा और आगे आना चाहिए था लाइन कमांड, क्योंकि 2 फिट है ये पूरा, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 फिट 2 इंच हो रहा है ये, हालांकि ये ज्यादा बड़ा हो गया। दोबारा से हम इसको बनाते हैं, एक्सटेंड हो गई कमांड को, यहाँ से 2 फिट ऐसे लिया आपने और 2 फिट ऐसे लिया हमने, 2 इंच इस तरह से लिया और 1 फिट
10 इंच यहाँ लिया, और आपको पता है 1 फिट 10 इंच हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे लेके ज्वाइन कर देंगे, एंटर करेंगे कमांड एग्जीक्यूट से, एड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से सर्किल 1 फिट का ड्रॉ कर लेंगे, रेडियस पर 1 फिट का हो रहा है, और यहाँ से क्लिक करके हम दोबारा 1 फिट के बजाय 2 फिट का सर्किल बनाते हैं। कम्प्लीट आ गया, ट्रिम कमांड यूज कर लेंगे और यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे एरिया को। यहाँ पर जो भी अगर इस तरह से है ठीक है, चल रहा है, सही लग रहा है। अब इसको ले जाके वहां पर ऐड करना है, 2 इंच की होता है जो तख्ता होता है इसको, वो 2 इंच मोटा होता है इससे जो, तो चौखट नहीं वहां 2 इंच की छोड़ते हैं। तो मैंने कल जैसे बताया था कि आप एक अदर दोबारा लाइन कमांड से ड्रॉ कर ले, और एक अदर लाइन कमांड आप इस तरह से ड्रॉ कर ले। उसके बाद आप जो है यहाँ से मिरर कमांड को यूज करते हुए, मिरर कमांड को हम यहाँ से यूज करते हुए सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे ऑब्जेक्ट को, और इसका एक बेस पॉइंट यहाँ लेते हैं, दूसरा बेस पॉइंट यहाँ लेते हैं, नो करते हुए एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मिरर कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट कर ले, इसी ऑब्जेक्ट का जो है एक मिरर यहाँ ले ले, और एक पॉइंट यहाँ बता के और दूसरा पॉइंट यहाँ बता के एक उसका पॉइंट वहां पर भी ले लेते हैं, और नो लगा के ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी एक अपोजिट कॉम्पोनेंट लेना है, तो मिरर कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट कर ले, उसको सिलेक्ट कर ले यहाँ से, इंटर करें, और यहाँ से क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके इसका अपोजिट एक हिस्सा यहाँ पे भी बना लीजिए, और नो करके उसको इंटर कर दीजिए। ये चारों हिस्से यहाँ पे बन जाए। अब आपको इनको यूज करना है तो पहले चारों हिस्सों को एक तरफ कर ले, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ये इसलिए बना के रख लेते हैं ताकि जब हम नक्शा किसी को दे रहे होते हैं तो उनको ये मेजरमेंट के साथ दे देते हैं कि डोर ये होगा और हाइट विड्थ वगैरह ये होगी। तो मूव कमांड यूज करते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और इंटर करते हैं, और पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, मूव कमांड को दोबारा यूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट हो गए, और यहाँ से इस पॉइंट से पकड़ के इनको इसके करीब ले आते हैं, ठीक है। और फिर अगर इनको और करीब करना है तो वहां पे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो है यहाँ पर इन डोर्स को फिट करना है, तो पहले देखेंगे यहाँ पे कौन सा डोर फिट होगा उस दरवाजे पर, क्योंकि ये अंदर की तरफ खुलेगा, तो इसकी भी चौखट हम बना लेंगे, दोनों की चौखट है, ठीक है। तो इस तरह का दरवाजा कौन सा चलेगा, मैं वहां से चारों डोर्स को उठा के यहाँ रख लेता हूँ ताकि हमें देखने करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ से मूव कमांड ली मैंने, और यहाँ से लिखने के बाद इनको सबको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, इंटर, और इस पॉइंट से पकड़ के मैंने इसको ला के यहाँ पे रख दिया। और अब देखिए आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी कि इनमें से कौन सा दरवाजा यहाँ पे फिट होगा। तो ऐसा दरवाजा हो जो अंदर की तरफ खुले, ये वाला दरवाजा नहीं, ये वाला दरवाजा फिट होगा। तो यहाँ से मूव कमांड ले लें और इसको सिलेक्ट करके क्लिक करें, और इसका बेस पॉइंट ये वाला बनाना है, इंटर करके सिलेक्ट करें बेस पॉइंट बना के, ऑर्थो मोड ऑफ कर दें, और फिर यहाँ से इस पॉइंट पे ला के ये देखिए परफेक्ट फिट हो गया इसके ऊपर, ठीक है। ये यहाँ क्लिक करेंगे, ये बन गया है। अब आपको बाद में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सर ये दरवाजा तो खुल रहा है लेकिन मुझे इस साइड का दरवाजा नहीं बनता, तो भाई देखिए उसका तरीका ये है कि आप इसको पहले डिलीट कर दें यहाँ से लाइन को, और मेरा ख्याल है कि इस लाइन को भी डिलीट कर ही दें, बाद में कर लेना। और दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर ये जो दरवाजे की पट्टी आएगी तो इसको यहाँ से एक्सटेंड करके इस बाकी हिस्से को डिलीट करना है। यहाँ से एक्सटेंड कमांड को यूज करते हुए सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ से क्लिक करके ये बढ़ा के, और बाकी हिस्से को यहाँ से ट्रिम कमांड के जरिए आपने रिमूव कर देना है। ये तो हमारे दरवाजे की है ये वाला, ठीक है, इस तरह से कर देना, क्योंकि वो तो हमारे दरवाजे की थी, ये जो दरवाजे का तख्ता है ये उसको शो कर रहा है, लेकिन देखिए हमारा दरवाजा कुछ इस तरह से। अच्छा, आप मैंने यहाँ पे मूव कमांड यूज कर ली, लेकिन कॉपी यूज करना ताकि आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी कॉपी रहे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसी तरीके से आपने ये दरवाजा लगा यहाँ पे भी लगाना है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि भाई सिंपली बहुत आसान प्रोसीजर है कि इसी को यहाँ से करा लो। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये सब दरवाजे के हिस्से, तो यहाँ पे आप यूज करो मिरर कमांड, ठीक है, और मिरर कमांड यूज करके दरवाजे के हिस्सों को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद इंटर करो, और इसका टॉप पॉइंट यहां से लो, और इसका बॉटम पॉइंट। अच्छा, अब यहां पर आपको एक मिस्टेक आ रही है कि ये आगे जा रहा है, वो इसलिए हो रही है कि हमने बीच वाली लाइन खत्म कर दी है। तो कोई बात नहीं, हम एक ऑफसेट ले लेते हैं, और इसका ऑफसेट लेते हैं कितने इंच का, 10 इंच का आधा होगा 5 इंच, तो इस लाइन से हम इसका एक 5 इंच का ऑफसेट ले लेंगे आरजी तौर पर, या डिलीट नहीं करना बाद में कर लेना। तो यहां से अब लेंगे मिरर कमांड और इंटर, और यहां से सिलेक्ट कर लें डोर के तमाम वो पोर्शंस जो डोर के हैं, ठीक है, इंटर करके, और यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ले ले और दूसरा पॉइंट यहाँ ले ले, ये देखिए उस साइड का डोर बन गया, नो करके इंटर कर दे, दोनों साइड का काम हो गया।
बार बार वहां से दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे कमांड से ये काम हो जाएगा। और उसके बाद गले आपको यहाँ से डिलीट कर दे और ट्रिम कमांड यूज करते हुए ये हिस्सा यहाँ से डिलीट कर दे, ये हिस्सा यहाँ से डिलीट कर दे, परफेक्ट हो गया, ये आपके बाथरूम के दरवाजे बन गए, ये दीवार आ गई उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अब बाथरूम की दोनों मेजरमेंट आपके पास मौजूद है। अच्छा, बाथरूम की मेजरमेंट जो अभी भी मैं एक काम करता हूँ, अंडू कर रहा हूँ जरा इस पर, बाथरूम की जो मेजरमेंट एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो आपने बीच वाली दीवार से करनी है, इस दीवार से नहीं करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है। तो डायमेंशन में जाके यहाँ से दोबारा से एक लीनियर ले ले, ये वर्कडन फिर हम डायमेंशन को यूज करते जाते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि कहाँ से हम कहाँ पर किस तरह की चीजों में कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है बाथरूम की मेजरमेंट आ गई, और विड्थ पे भी इसकी मेजरमेंट्स ले लें क्योंकि एक साइड की ले लेंगे, दोनों साइड का सेम ही साइज रखा हुआ आपने, ये लेके आपने यहाँ पे छोड़ दें। ठीक है, दीवार पे ना छोड़े, दोबारा से ले लें, यहाँ से स्टार्ट करें डायमेंशन कमांड को लीनियर, और इस पॉइंट से ले लें और इस पॉइंट पर लाके इसको थोड़ा सा अंदर ले। ठीक है, अब ये एक और दो और ये तीन डबल क्लिक कर लें और यहाँ जाके टेक्स्ट हाइट के अंदर 4 इंच की एक एंट्री कर दें और ये आपके बाथरूम की हाइट वगैरह आ गई। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से आपको पता चल जाएगा ये आपका बाथरूम आ गया। और अब इस लाइन को बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब आप चाहे तो जिसको ट्रिम करना है ट्रिम कर दे, ये लीजिए। ठीक है, ये आपके कंप्लीट बाथरूम क्रिएट हो गए। अब बाद में अंदर वो WC या मुस्लिम टॉयलेट वगैरह जो भी लगाना है उसकी भी पोजिशन की जा सकती है, 3 फिट 2 फिट का कहाँ पे वॉश बेसन आएगा उसका भी आप पोर्शन निकाल के कर सकते हैं। इतना हद तक काम किया जा सकता है कि पूरी चीजें यहाँ पे सेट की जा सकती है। फिल वक्त अभी हमने इसको यहाँ तक ही यूटिलाइज किया है। अच्छा, हमसे एक इसमें मिस्टेक हुई है, लेकिन चलो उस मिस्टेक को सुधारा जा सकता है कि हमसे किसी तरीके से बाहर वाली इसकी जो बाउंड्री लाइन थी वो डिलीट हो गई है। ठीक है, तो इसको सुधारा यूं जा सकता है कि आप ऑफसेट ले लें, और मेरा ख्याल है कि 6 2 8 10 इंच की थी आई थिंक, सोना तो 10 इंच का एक ऑफसेट आउटसाइड कर लेना इसका, तो ये दोबारा से रिक्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारी बाहर की मेन बाउंड्री लाइन है, इसको डिलीट नहीं होने, तो ख्याल रखना है। अच्छा, इसी तरीके से अब आपका लाउंज भी बन गया, किचन की गेट भी बन गया और किचन भी आपका रेडी हो गया। अब हम आते हैं कि इसकी जो किचन की बाथरूम का किचन की तरफ आते हैं, तो किचन में आपने क्या करना है, जैसे ओपन रखना है या क्या रखना है, तो ये देखिए आपकी किचन की जो अगर डायमेंशन निकाले लीनियर कमांड से यहाँ क्लिक करके आपने यहाँ क्लिक कर देना है और यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ डबल क्लिक करके आप जैसे टेक्स्ट हाइट पे क्लिक करते हैं 4 इंच की हाइट पे यहाँ पे लेते हैं कुछ, ये क्लिक करके 87.9375 पर आया, तो तकरीबन 80-80 हो गया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 88 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 7 फिट का किचन विड्थ पर बेहतर है, इतना ही होना चाहिए। और इसकी दीवार भी आपने निकाल ली है बीच की, ये इसकी दीवार भी आ रही है और ये इसके मिड पॉइंट्स भी आ रहे हैं, बल्कि ये इसकी मेजरमेंट लाइन है। मेजरमेंट लाइन को हो सके तो एक कलर चूज कर लेंगे, भाई वो कलर उसी के लिए है। और इस तरह से ये इसकी बीच की दीवार है जो कमरे के और दरमियान की दीवार है, तकरीबन 10 इंच की दीवार होगी। ये आपने आगे की दीवार ली है इसकी 8.7 पर। तो कहने का मकसद ये है कि अब जब ये किचन को आप दीवार बनाएंगे तो ये दीवार भी तकरीबन ऐसे ही होगी, 10 इंच की होगी, क्योंकि 6 इंच की ईंट यूज करेंगे, 2 इंच का प्लस्टर होता है, 2 इंच का प्लस्टर होता है, तो ये हो जाएगी 10 इंच। तो यहाँ पर भी आपने ऑफसेट कमांड लेके इसको कंप्लीट एक दीवार बना ले पहले। तो इसको ऑफसेट कमांड पे जैसे आप 5 इंच का लेंगे ऑफसेट, तो यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे या यहाँ पे आप इस तरह से रख लिया। अब आपको करना ये होगा इसके अंदर कि भाई ये दीवार पूरी तो नहीं आएगी, क्योंकि ये सब खुला होगा इसका, एक ओपन किचन जो होता है उसका आधा हिस्सा तो स्लैब होता है, दीवार होती है, उसके अंदर एक विंडो होती है, लेकिन आधा हिस्सा खुला होता है। तो इसकी जो भी है इसके यहाँ से आपने जैसे ये एक लाइन है इसमें से कितना फिट आपने रखना है, तो ऑफसेट कमांड लेके आपने जैसे कहा कि भाई 3.5 4 3.5 4 ज्यादा हो जाएगा, 3 फिट और 6 इंच का आपने यहाँ से एक ऑफसेट लिया, सपोज इस लाइन का यहाँ ये हिस्सा आप चाहते हैं ये ओपन रहेगा, तो यहाँ पे ट्रिम कमांड यूज करते हुए आप इसको यहाँ से ट्रिम किया, यहाँ से ट्रिम किया, यहाँ से और यहाँ से भी चुप कर दी। ये देखिए ये इसकी हाफ दीवार आ गई इस तरह से क्रिएट हो गई। उसके बाद आपने इसको मजीद ट्रिम कमांड यूज करते हुए इस दीवार को यहाँ से भी ट्रिम कर दिया और यहाँ से भी ट्रिम कर दिया, यहाँ से भी ट्रिम कर दिया, तो ये परफेक्ट किस्म के बीच की दीवार आ गई। अब चाहे तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, इसको आखिर में डिलीट करेंगे जब हमारा बिल्कुल ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वॉल आ गई, और अब इस वॉल की डायमेंशन आप लिखना चाहें तो यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, किसी को बताना होगा इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई, और इसको डबल क्लिक करके यहाँ से 4 इंच की हाइट पर इसको सेट कर दे और यहाँ से इसको येलो कलर का एक दे दे ताकि पता चल रहा है कि भाई ये इसकी डायमेंशन है। सही,
तो ये देखिए किचन भी आ गया, और किचन यहाँ से इस तरह से आप समझ गए होंगे किस तरह के पोर्शंस में ये काम कर रहा है। और अब आपका रहता है ऊपर जाने का, जीना कह रहे हैं उसको या सीढ़ी कह लेंगे, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी कैसे बनेगी। लेकिन अभी ड्राइंग रूम का दरवाजा रहा हुआ है, ड्राइंग रूम का दरवाजा आपने यहाँ निकालना है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा आपने देखना है कि दीवार जो है इससे कनेक्ट नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कमांड यूज करते हुए एक्सटेंड लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आगे एक्सटेंड हो गया, यहाँ क्लिक करेंगे एक्सटेंड हो गया। ट्रिम कमांड को यूज करते हुए आप यहाँ से इसको यहाँ ट्रिम कर दे, तो ये देखिए दीवार आपके बीच की निकल आई और ये कंप्लीट एक दीवार है। अब दरवाजा आपका कहाँ निकलेगा, देखिए ये जो ऑफसेट लिया गया है आई डोंट नो कि किस चीज का ऑफसेट था, लेकिन चलो लिया गया है तो ठीक है। दरवाजा डिसाइड कर ले कि कहाँ निकालना है। ड्राइंग रूम का दरवाजा 4 फिट का नहीं, 3 फिट का निकाल ले, 3.5 फिट का निकाल ले, तो ठीक है। तो आप यहाँ से ऑफसेट ले लेंगे, एक डोर आप यहाँ रखेंगे, एक डोर उस साइड पर रखेंगे बाहर की तरफ। तो ऑफसेट कमांड जैसे आप लेंगे यहाँ पे आपने 3 फिट और 6 इंच का एक इसका ऑफसेट ले लिया, ठीक है, एक इधर ले लिया, और उसके बाद ऑफसेट 1-2 इंच का ले लिया क्योंकि चौखट भी लगेगी। यहां से क्लिक करके आपने एक यहाँ पे ऑफसेट भी ले लिया, ठीक। तो ये अंदर की साइड पर आ गया। अब आपने इसका एक्सटेंड कमांड यूज करते हुए एक्सटेंड, और यहाँ पे एक दफा क्लिक करना है, ठीक है। एक्सटेंड कमांड को यूज करते हुए यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया, और यहां से इसको और एक्सटेंड कर दिया, और यहां से इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अब आप यूज करेंगे ट्रिम कमांड, और ट्रिम कमांड यूज करते हुए भाई देखिए ये पहले आपने इससे निकाल देने क्योंकि डोर बंद जाएगा, ठीक है, फिर इसको निकाल दे रहे, ये भी निकल गया, ठीक है। और ये क्योंकि तो है दीवार तो इधर आएगा, 1 मिनट, ये दीवार नहीं है चौखट है, चौखट थोड़ी सी बाहर होती है दीवार से, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। और ये यहां से निकल गया इस तरह से, ये पूरी की पूरी चौखट निकल आएगी। बीच वाली दीवार अभी खत्म नहीं कर रहे, वरना मैं इसको भी डिलीट करूंगा, इसको भी डिलीट करूंगा, चाहो तो कर लो, ट्रिम कर दो यहाँ से। ये देखिए इसकी चौखट निकल आई, चौखट यानी कि जिसके वो दरवाजा पंच होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक 3.5 इंच का डोर बनाना है, तो उसको डिजाइन कर ले 3.5 इंच के डोर को, और फिर लाके उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दे, एक कमांड और यूज कर ले ट्रिम, और यहाँ से इसको भी रिमूव कर दे, और साथ साथ इसको भी यहाँ से रिमूव कर दे ताकि ये टेंशन ही खत्म हो जाए। ये आपके ड्राइंग रूम का गेस्ट रूम का दरवाजा है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी निकालना है। अब यहाँ का भले आप 4 फिट का निकाल लें, 3.5 फिट का निकाल लें, या यहाँ पे निकाल लें दरवाजे के बराबर में निकाले, या वहां निकाले, वो डिसाइड करता है कि आप दरवाजा अगर इस कोने से निकाल रहे हैं, जैसे अक्सर अटैच बाथ भी होता है, तो अगर यहाँ अटैच बाथ बनाने की जरूरत है तो यहाँ अटैच बाथ बना लें, और यहाँ पे एक दरवाजा निकाल लें, ठीक है। तो ये आमने सामने दरवाजे हो जाएंगे, ऐसे भी होता है, ठीक है, और यही बेहतर रहेगा मेरा ख्याल है। तो जब ऐसे ही था तो थोड़ा अंडू कर ले, और इस चीज को थोड़ा सा अंडू करके जो आपने वहां पे किया है वो यहाँ पे भी कर ले, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से होगा, ये अभी मैंने उस साइड को थोड़ा लूजली कर लिया कि अभी इस साइड पे भी हमें ये काम करना था, तो एक्सटेंड कमांड को यूज करते हुए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लें, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लें, ये भी एक्सटेंड, ठीक। अब आपने क्या करना है, ये बीच वाला पोर्शन निकालना है, तो ट्रिम कमांड को यूज करते हुए यहाँ पर भी ये ट्रिम अप्लाई कर दिया आपने, ये ट्रिम गया, ये अप्लाई हो गया। अब ये चौखट के लिए यहाँ से देखिए ये इधर से दोनों साइड से चौखट निकल आएगी, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, और ये गया, ठीक है, ये निकल आई, और इसी तरह से यहां भी निकल आई चौखट, दोनों साइड पे चौखट निकल आई। और बाहर वाली दीवार थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती है, मैंने बताया था जैसे, एज कम्पेयर टू अंदर वाली दीवार के। और ये वाले जो ट्रिम कमांड है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास दोनों साइड के डोर की पोजीशंस निकल आए, ठीक है। इसको थोड़ा सा गेस्ट रूम को उठा के ऊपर कर दो, बाथरूम बनाना है तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, 3x3 का बाथरूम एक आराम से बन जाएगा, 3x4 का बाथरूम भी यहाँ पे इजीली क्रिएट हो सकता है। तो अब यहाँ पे डोर्स बनाने हैं आपने, वही 3.5 फिट के 2 डोर चाहिए आपको, तो इजिली आप ड्रॉ कर ले, सीख तो गए आप, क्लिक करेंगे और यहाँ स्ट्रेट F8 मोड करेंगे, 3 फिट और 6 इंच का एक डोर आपने यहाँ लेना है, स्ट्रेट 3 फिट और 6 इंच की लाइन यहाँ लेनी है, 2 इंच की लाइन यू लेनी है, और 3 फिट और 4 इंच की लाइन, 3 फिट और 4 इंच की लाइन यू ड्रॉ करनी है, 3 फिट और 4 इंच की लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है, और फिर इसको लाके इस पर जोड़ देना है, आखिरी में खराब होना लाजमी था तो सही कर लेते हैं इसको। दो इंच 3 फिट 6 इंच है ना,
फिट 6 इंच में 2 इंच वाला, 3 फिट 4 इंच, 3 फिट 4 इंच, ओके ये बन गया 3 फिट 4, चलो 6 6, ट्रिम एंटर ये आ गया। ठीक है, और तरीका मैंने बता दिया है कि चार बनाने का तरीका क्या है इसके। ये वाला डोर तो यहाँ लग जाएगा, इसके एक अपोजिट वाला डोर चाहिए होगा जो नीचे लगेगा, तो वही लाइन कमांड हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और ले लेते हैं MIRROR मिरर कमांड, सेलेक्ट कर ले इस पूरे ऑब्जेक्ट को, तो पहला तो मिरर इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ले लें, इंटर, और फिर इन दोनों का मिरर ले लें, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें, मिरर कमांड को दोबारा लॉन्च करें, मिरर कमांड सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें, एंटर, और इसको लेके यहाँ तक का एक ऑप्शन दबा एंड दबा के, ठीक है। अब ये 3.5 फीट के दौर है, एक डोर यहाँ लगाना है, तो आई थिंक ये वाला डोर, ये वाला डोर यहाँ फिट होगा, तो मूव कॉपी कमांड ले लें, मूव कमांड डालें ताकि आपके पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, सेलेक्ट करके एंटर करें, और यहाँ से क्लिक करके इसको पकड़े, और ऑर्थो मोड अपना ऑफ कर दें F8 की मदद से, और यहाँ पे लाके इसको बैठा दे, ये यहाँ नहीं बैठेगा, इसको उसको फिर यहां से जो है ये वाला जो डोर है, ये वाला डोर इधर बैठेगा, तो अब ले ले दोबारा कॉपी कमांड, सेलेक्ट कर ले, ठीक है, ये देखिए दोनों साइड के डोर्स आपने इसके क्रिएट कर दिए, और ये कंप्लीट हो गया ड्राइंग रूम आपका। अब रह गया ऊपर की जो सीढ़ियां हैं, वो हम यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, तो डिसाइड करना होता है इसके अंदर के ऊपर की जो सीढ़ियां जाएंगी तो वो कितने फिट का होगा। तो नॉर्मली 4 फिट चौड़ा होता है जीना, 3.5 फिट चौड़ा भी होता है, 4 फिट भी होता है, स्पेस के हिसाब से होता है विड्थ उसकी, और स्टेप्स जो होता है वो 6 6 इंच का होता है, यानी कि स्लोप जो होता है 6 इंच का होता है, और ऐसे तकरीबन वो दोनों रखते हैं, 6 6 इंच भी रखते हैं, 6 इंच और 8 इंच भी रखते हैं, 6 इंच और 10 इंच भी रखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको इसको डबल स्टेप जीना देना है, मतलब ऐसे चढ़ के और फिर ऐसे ऊपर जाएगा, यानी कि इस जगह पे ऐसे ही हो सकता है, या तो आप सीधा चढ़ा दें यहाँ से, ऐसे सीधा चढ़ाएंगे जीना तो सीधा ही ऊपर उसकी छत के ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा होगा कि आप एक स्टेप यू देंगे और दूसरा स्टेप यू देंगे, तो उसको डिवाइड कर लेंगे आपके पास टोटल स्पेस कितना और कितना दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डायमेंशन कमांड को यहाँ पे लॉन्च करते हैं, कहें तो ऐसे सीधा बना दूं जीना, और कहेंगे तो इसको एक स्टेप और दूसरा स्टेप ऐसे बना लेते हैं, दो स्टेप वाला बना दूं, ठीक है। तो यहां से क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास स्पेस कितना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्पेस कितना है, 4 इंच यूज करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आ गया हमारा 127 127, तो जब हम डिवाइड करेंगे 127 को, जब हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो पता चलेगा हमें 10 फिट का स्पेस है, 10 फिट का। वैसे नॉर्मली 7 8 फिट का छत हमारी 12 फिट पर होती है, तो आपको ऐसे करना होता है कि 12 फिट का ही उठाना पड़ता है, फिर उसके अंदर स्टेप्स निकालने होते हैं। तो अगर इसको आप 2 स्टेप में बना रहे हैं तो 6 6 फिट में बना लें इनको, ठीक है, मतलब 6 फिट ऐसे उठा लें, उसके बाद आपके पास यहाँ 4 फिट चले जाएंगे, तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 ही बजेंगे, और 6 फिट ऐसे उठा दें ऊपर करके, ठीक है। अब 6 6 फिट में जब आप बनाएंगे तो उस पर आपको ये मसला आएगा कि स्टेप्स कितने होंगे, तो उसका बहुत आसान तरीका है भाई, 6 फिट का आप बना रहे, ठीक है, 6 फिट के आप बनाएंगे तो उस पे कितने स्टेप्स आएंगे, एक स्टेप बनेगा 6 इंच का, तो उसको आप 6 से डिवाइड कर दो, नहीं 6 फिट का बना रहे उसको 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, तकरीबन 12 स्टेप बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 फिट को जब आप 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 6 6 इंच के आएंगे, और आपके पास है 6 फिट, और 6 फिट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 12, तो 12 स्टेप्स जो है आपके एक साइड पर आ रहे हैं, तो 12 एक साइड पर आएंगे अगर आप 6 फिट का बनाएंगे, अगर आप 5 फिट का बना रहे हैं तो कितने स्टेप्स आएंगे, 10 स्टेप्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना होता है आपके जीने के हिसाब से कि कितना स्पेस रिक्वायर्ड होता है, कि आप उसको जो है जब जीना उठा रहे हैं, 5 फिट का मतलब होता है कि यहां से लेके 5 फिट आप ऐसे जाएंगे, फिर हो गया 5 फिट, फिर आपकी छत कितने फिट पर है, आपकी छत है वहां पे जाके एक स्टेशन बनेगा, फिर
वो यूं घूम के और फिर यूं ऊपर जाएगा। तो अगर आपकी छत की हाइट आपने 12 फीट रखी है तो ऑब्वियसली अगर आप पहला जीना 4 फीट उठा रहे हैं तो दूसरा जीना 8 फीट पे उठाएंगे, और अगर दोनों जीने इक्वल उठा रहे हैं मतलब 6 फीट पे एक ला रहे हैं और फिर 6 फीट पे दूसरा, तो क्लियर हो गई बात, ठीक है ना, दो ही बनेंगे। तो आपने इसको किस तरह से करना है ये भाई, आपने इसको बनाने के दो प्रोसीजर है, एक तो लाइन कमांड के जरिए बनाए और एक एरे कमांड के जरिए बना ले। बना के रख ले पहले, कैसे बनाना है, यहाँ क्लिक किया, चौड़ाई कितनी रखनी है, मैंने कहा वही 4 फिट एक्स होगा और वाई कितना हो जाएगा, 6 फिट हो जाएगा, तो क्रिएट हो गया, सही है। इसके बाद आपने लाइन कमांड को इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है, जैसे आप लाइन कमांड यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंटर करके छोड़ देंगे। अच्छा, अब आपने कितने स्टेप्स बनाने हैं इसके अंदर, 12। तो आपने एरे कमांड को लॉन्च कर लेना है, एरे कमांड आपने यहाँ से लॉन्च कर ली, और इसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट ये वाला सिलेक्ट करना जो भी हमने अलग से बनाया, एरे सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर दिया। अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि भाई आपको कितने स्टेप्स बनाने हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स तो बनेंगे नहीं, यहाँ कॉलम एक हो जाएगा और रोज आपकी कितनी हो जाएंगी, 12। अच्छा, यहाँ पे ख्याल करना है कि इस एक रो से दूसरी रो में स्पेस कितना आएगा, 6 इंच का, तो 6 इंच के स्पेस के हिसाब से बनाएंगे तो लाजमी बात है कि 12 ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का चक्कर होता है, अगर आप पॉजिटिव सिक्स डालेंगे तो देखिए यहाँ क्लिक करके ये किस साइड पे बन रहा है, ये इस साइड पे बनेगा, उल्टा हो जाएगा, आपको नीचे लाना है, उसको नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। रिव्यू करके देखें सही बन रहा है, अगर सही है इसको एक्सेप्ट कर लें, याद करेंगे। अब इसको एक तो सीधा रखना और इसको एक इस तरह से रखना है, तो इसका भी बहुत आसान प्रोसीजर है। उसको क्या करना है, आपने वही लेनी है, आपने यहाँ से रोटेट कमांड, रोटेट और सेलेक्ट करके आपने क्या कर देना, एंटर, और यहां से करके इसको एक तरह से रोटेट कर देना। अगर मैं बिल्कुल इससे मिला दूंगा तो जरा थोड़ा सा करीब हो जाएगा, मैं इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऑर्थो मोड ऑन करके, और उसके बाद अब मैं इसके लिए रोटेट कमांड यहाँ से ले लेता हूँ, सेलेक्ट करके इसको यहाँ से एंटर करता हूँ, इसका पहला पॉइंट बेस पॉइंट बता के, ठीक है ये इसको यहाँ से क्रिएट कर लिया। लेकिन इससे तो उसको रोटेट तो कर दिया, लेकिन इसकी कॉपी नहीं, मेरे पास एक और मौजूद है, इसको यूज कर लेते हैं, कॉपी बनानी थी पहले हमें इसके दोनों की, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा दोनों को रख लेते हैं, और इसको पहले हम उठा के यहाँ पे लेकर आते हैं मूव कमांड के जरिए, ठीक है। तो अगर आप इसका थोड़ा कलर चेंज करना चाहें तो कर ले, ताकि थोड़ा आपको पहचानने में आसानी हो जाए, सी ग्रीन कलर कर देते हैं इन दोनों का, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने यहां से उठा के इसको यहाँ बाथरूम की दीवार के साथ रखना है, तो इसको पहले मूव कमांड के जरिए दोनों को पहले यहां से सिलेक्ट करें, इसको पहले सिलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा इसके क्लोज कर लें, और एक कॉपी कमांड के जरिए दोनों को सेलेक्ट करके, ताकि इनकी कॉपी यहाँ रहे और यहाँ से ऑटो मोड ऑफ करके यहाँ रखिएगा, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। अब आप जूम करके जब काम करेंगे तो आसानी रहेगी। अच्छा, कुछ लोग जो है मेजरमेंट साथ साथ यहाँ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स बना के यहाँ रखे मेरे, इनकी मेजरमेंट यही कर देंगे, ताकि समझने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ पे जीना, डोर, विंडो वगैरह कितने के, इंडिया जाएगी हमारे यहाँ पे भी, तो दोबारा से इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, और यहाँ से इसको यहाँ लगा के यहाँ रखा, ठीक है, और इसको भी मूव कमांड के जरिए सेलेक्ट ओके, अब ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको पता चल गया कि भाई स्टेप्स जो ऊपर जा रहे हैं वो यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर, और यहाँ से होके ऐसे छत पे चले जाएंगे, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से ये बाथरूम का दरवाजा है, ये टॉयलेट का दरवाजा है, और ये आपका ओपन यार्ड है, ये पूरा ऐसा खुला हुआ होगा, ठीक है। अगर इसको आप यहाँ से ढक भी देते हैं, छत भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी करने की जगह आ जाएगी, और ये हिस्सा फिर आपका ओपन हो जाएगा। ओपन हिस्से के बाद आप यहाँ से जो है लाउंज के अंदर एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री करने के बाद ये ओपन लाउंज है, इसके अंदर ओपन एरियाज रखने हैं तो यहाँ पे भी 2-2 फिट के ओपन एरियाज निकाल सकते हैं हम। और उसके बाद ये एक मेन गेट का, सॉरी मास्टर रूम का हमारा डोर है, ये बेडरूम का डोर है, ठीक है। इसके बाद ये डिफरेंट चीजें हैं, आप यहाँ से इलस्ट्रेशन जो है आपकी कंप्लीट हो गई है, और अब आपने इसकी फाइनल टच में लेकर आना। अच्छा, विंडो कैसे शो करते हैं, विंडो शो करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, विंडो बहुत आसान है। देखिए, अमूमन विंडो का जो वाया होता है वो पूरी दीवार पे बैठता है, ठीक है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कितनी चौड़ी विंडो बनानी है, विंडो फॉर एग्जाम्पल जितनी भी चौड़ी बनानी है आपको, उसको देखिए आपकी दीवारें कितनी चौड़ी है। नॉर्मली आपकी जो कमरे की दीवारें हैं वो 10 इंच की है, ठीक है, तो 10 इंच पे 5-5 इंच दोनों साइड पे डिवाइड करके एक विंडो बन सकती है। अमूमन विंडो को ऐसे शो करते हैं, यानी कि अगर आपने 6 फिट की विंडो बनानी है, 5 फिट की विंडो बनानी है, तो 5 फिट की बनाते हैं नॉर्मली, तो हम यहां से ऐसे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल कमांड लेते हैं, और देखिए इसका एक एक्स को कितना बताएंगे, एक्स कितना बताएंगे, 5 फिट, और वाई कितना बताएंगे, वाई हो जाएगा हमारा माइनस, सॉरी 10 इंच का, ठीक है। ये
ये हमारा विंडो आ गया। अब इसको 200 में डिवाइड कर दे। 200 में कैसे कम डिवाइड कर देंगे, यहां से क्लिक करेंगे और 5 इंच लेके और यहां से ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे, और ये हमारे पास टोटल कितना 5 फिट था, तो 5 फिट ही बता रहे हैं। ठीक है, तो अब चाहे तो इसको बीच वाली लाइन को डिलीट कर दें और डायमेंशन को फिलहाल ऑफ कर दें, या इधर डायमेंशन रहने दें, कोई मसला नहीं है। इसके कॉपी ले लेंगे, तो ये विंडो बन गई। विंडो को सिलेक्ट करके इसका एक कलर रख ले, सपोज कि ये रेड कलर में या ब्लू कलर में शो होगी। ठीक है, तो ब्लू कलर की आ गई। अब इसको आपने कैसे सेट करना है, इसके भी वो 3 4 हिस्से बना लें, ऐसे 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 जैसे भी बनानी है। तो इसको उठा के हम एक साइड में बना लेते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से इसको लाइन कमांड्स को यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन यहाँ ले लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे लेंगे लाइन कमांड के जरिए। ओके, अब उसके वही काम करना है। कौन सी कमांड यूज होगी, रोटेट। इसकी बेस पॉइंट सीधा करें, बस हो गया अब काम आपका। अब आप निकालें कहाँ लगानी है विंडो। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस दीवार से या इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे लगानी है, तो टोटल दीवार का डिस्टेंस निकालने पहले कि भाई मुझे जो है यहाँ से 2 फीट छोड़ के निकालनी है, कैसे लगानी है, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा कि आपके पास यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ रहा है। ये आप डबल क्लिक करें, यहाँ पे 4 इंच, ठीक है। 119 इंच की है आपके पास दीवार की विड्थ, 119 डिवाइडेड इनटू 12, 9 फिट की आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि 2 फिट यहाँ से छोड़ के विंडो लगा दे तो सही रहेगी, या 3 फिट छोड़ के लगा दे तो सेंटर में आ जाएगी। 3 फिट छोड़ के लगा देते हैं, ऑफसेट कमांड ले लेंगे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके। बाकी कमांड देखिए उसी तरह से रिपीट होती रहती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और यहां से 3 फिट छोड़ के यहाँ पे अब विंडो लगाएंगे, 5 फिट की होगी तो 3 के बाद 5 यहाँ, तो दरवाजे के बराबर में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से कॉपी कमांड ले और उसको उठा के ले आए वहां से, कॉपी और सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, एंटर। यहां से पकड़ा, ऑर्थो मोड ऑफ कर दो, ये आ गई आपकी क्या चीज, विंडो। इस तरह से आपने हर दीवार पे एक विंडो यहां लगानी है। अब इसी तरह से यहां से भी 3 फिट छोड़ के लगानी है, तो यहां पर भी एक अदद लाइन ड्रॉ करेंगे पहले आप, 3 फिट, ठीक है। और इसी को यहां से लाके यहां पे सेट करना है, इस वाली कॉपी सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 2 विंडोज आपकी यहां पे ऐड हो गई। ओके, इसी तरह से यहां पे जो विंडो लगेगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, और किचन में एक विंडो लगानी है, थोड़ी छोटी होगी लेकिन वो यहां पे लगेगी। तो इस तरह आपकी जो विंडोज लगने के बाद, और कहां विंडो होगी, बस यहां तो विंडोज नहीं बनानी क्योंकि किचन की होगा, यहां पर भी विंडो नहीं बनानी, ये है पूरा का पूरा। यहां बनानी है तो छोटी 2 2 फिट की 3 3 फिट की विंडोज इसी तरह से आप बना के रख लेंगे, और ये होता रहेगा इसी तरीके से। ठीक है, इतना सही है। तो अब उसको कंप्लीट कर लें अपना मैप, और फिर बना के मुझे लेबलिंग के साथ। अब लेबलिंग मैंने समझाया था कि देखें ये आपने इंचेस लिखने, और फिर हर ऑब्जेक्ट की यहाँ पे लेबलिंग करके रखें कि भाई इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, और इन ऑब्जेक्ट को एक जगह इकट्ठा करके रखें। तो अगर आप यहाँ पर एनोनेट नहीं करते तो यहाँ पे बता दें, यहां से हम समझ लेंगे और यहाँ पे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से कलर पढ़ लें सबके अंदर, भाई दीवारों के कलर ये है, विंडोज के कलर ये है, दीवार व्हाइट पे गई तो कलर विंडो के डोर्स के अलग अलग कलर्स हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत अच्छा सा एक अट्रैक्शन इसके अंदर आ जाएगा और समझने के लिए। तो ये आपका एक ग्राउंड फ्लोर का जो मैप था वो कंप्लीट हो गया। अब आप इसको अपना अपना बना लें,
और फिर इसको मुझसे शेयर करो।